मुरहारा बोट बहिष्कार का जो निर्णय था वो हुआ समाप्त। जिला प्रशासन के द्वारा एक टीम भेजी गई थी और मुरहारा के लोगों से बातचीत किया गया, समझाया बुझाया गया और काफी मान मनोवल के बाद वहां के लोग मान गए। जो शर्त रखे थे गांव ग्रामीण उसे पूरा किया गया। जैना से साला इतना लंगटे चलते थे उसी दिन से आश्वासन सुन रहे हैं। अब क्या करने कहते हैं आश्वासन का, तो उस मेरे पास सरकार के यहाँ से विकल्प को दीजिए, उसी का हम यूज कर रहे हैं। तो मेरे पास एक हथियार बचा हुआ है, हम क्या करेंगे सर? ये सर ये चीज सोचिए ना, इसी सोचिए ना सर। एक चीज सुनिए ना सर, ये सर एक बात बताइए, आपका घर जहाँ है वहाँ अगर आजादी के बाद भी अगर रोड नहीं बना हो रहा तो कितना दुख होता सर बताइए। चकवा धस जाता है मोटरसाइकिल के, उसके ऊपर दो आदमी बोलाइए तो टांग टांग के निकाल के ले जाएगा। अब बताइए सर कितना हम लोग भोगे। अब एक तो बजलो इसका ज्यादा है कि मोटरसाइकिल उठता नहीं है। अब बताइए क्या करें। सबसे ज्यादा दिक्कत हम ही को है सर, हम गिर गए, इतना गड्ढा था गिर गए, गोड़ में टूट गया, 3 महीना ईटा लटका के पड़ रहे हैं। 2 महीना पहले भी चला है मुरहारा में वोट बहिष्कार, उसका भी कटिंग हम रखे हुए हैं। पेपर में कई बार आया है, पेपर में आया 3 बार 4 बार सर। आप लोग पेपर तो जरूर पढ़ते होंगे, तो डीएम सर तो जरूर पढ़ते होंगे कि मेरे इलाके का क्या हालचाल है। आप ही लोग रिपोर्ट हमेशा गलत देते रहे हैं कि बना हुआ है, आप ही लोग रिपोर्ट इसका मतलब गलत देते रहे हैं कि यहाँ बना हुआ है। अगर डीएम साहब नहीं, अगर डीएम साहब आपसे रिपोर्ट लाते, डीएम साहब आप क्या रिपोर्ट दिए, आप क्या रिपोर्ट दिए डीएम साहब? आप झूठ बोले हैं। अंतर्गत इसका डीपीआर बना कई साल से बना रहे हैं, कई साल से डीपीआर बन रहा है, साल भर से तो स्कीम लागू हुआ है, आपको यही लागू है। नरेश हो गया सर, खत्म होने वाला है कि 20 हो गया, 20 खत्म हो गया, खत्म हो गया, अंतिम चरण पर है। नया स्कीम चला सरकार, एक चीज हम भी आप भी रोड एक भी एक चीज हम भी आपको आश्वासन दे दे सर, अगर वोट बहिष्कार ना करेंगे तो हमारा रोड फिर 5 साल ऐसी रह जाएगा। ये आश्वासन हम भी आपको, ये हम आश्वासन देते हैं कि आपको इलेक्शन के बाद जो है 2 महीना के बाद लिखित दीजिए, रोड बनेगा लिखित दीजिए। 1000 का स्टंप पैड हम लाते हैं, 1000 का स्टंप पैड लाते हैं और उसमें टाइम टेबल सिग्नेचर होगा, आपका भी सिग्नेचर होगा, डीएम सर का भी सिग्नेचर होगा, जो यहाँ के सांसद महोदय उनका भी सिग्नेचर होगा, तब हम लोग वोट देंगे। मैम मुढ़ारा में रोड नहीं तो वोट नहीं, यानी वोट बहिष्कार का ऐलान यहाँ पे था और आप आज मुढ़ारा के लोग को मनाने आए, तो क्या यहाँ निर्णय यहाँ के लोग माने, क्या हुआ? बिल्कुल, एक इस मुद्दे पर सहमति बन गई है और आगे की जो भी ये फाइनल स्टेज में है, जैसा कि हमारे साथ प्रतिनिधि लोग भी आए हुए हैं आरडब्ल्यूडी से, तो उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है ये फाइनल स्टेज में है। और यहाँ की जनता से मेरी अपील है कि जो अपना वोट का अधिकार है उसका प्रयोग करेंगे, और ऐसा ये लोग कहें भी हैं बिल्कुल करेंगे, उस अधिकार का प्रयोग करके ही। मैं सूचना आपको कब मिला कि मुढ़ारा में वोट बहिष्कार है? रूप से मुझे जैसे ही जानकारी मिली है, यानी आज 2 दिन पहले, यानी 28 को वोट है, आज अभी 25 तारीख है, यानी 25 तारीख को आपको जानकारी मिली? नहीं नहीं, मुझे आज जानकारी मिली, मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे आज, यानी 25 तारीख को मिली जानकारी। आज से 2 महीना पहले RGTV न्यूज को चलाया था कि मुरहारा में रोड नहीं तो वोट नहीं, यहाँ पे लोग विरोध प्रदर्शन किए थे और उस दिन ऐलान किए थे, निर्णय लिया गया था कि हम लोग वोट नहीं करेंगे, तो उस समय से जिला प्रशासन और सिस्टम सो रही थी, क्या हुआ? नहीं नहीं, प्रशासन अपने काम में लगी हुई है, जैसा कि बता रहे हैं सर कि हाँ ये अब अंतिम ये चरण में है, जैसे ही आचार संहिता खत्म होता है, इलेक्शन खत्म होता है, प्रक्रिया बिल्कुल शुरू हो जाएगी जी। और काम यहाँ पर, यहाँ के ग्रामीण शर्त क्या रखे मैम, जैसा कौन सी शर्त पे यहाँ के समझौता हुआ या ग्रामीण माने? उनकी शर्त यही रही है कि हम लोगों को लिखित आश्वासन चाहिए, तो बिल्कुल उनको लिखित आश्वासन दिया जा रहा है जी। सर मैम डीएम साहब भी पहले आश्वासन देकर यहाँ से गए हैं मुढ़ारा से कि जो है मार्च 2020 तक रोड बन जाएगा, पर आज अक्टूबर 25 है और अभी तक रोड में कुछ काम भी नहीं लगा, इसका टेंडर भी अभी नहीं निकला है। मैम नहीं देखिए, प्रक्रिया तो वो शुरू हो गई थी, प्रक्रिया तब से शुरू हो गई थी, फाइनल स्टेज में है और इलेक्शन खत्म होने के बाद ही हम लोग भी प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में आए हुए हैं, हम लोग कह रहे हैं इस बात को, तो जैसे ही खत्म होता है वो आगे का काम शुरू हो जाएगा जी। मैं रात में आप लोग आए मुरहारा में और यहाँ का लोग का जो मांग था वो पूरा किए कैसे? यहाँ के आखिर जो वोट बहिष्कार था मान गए लोग या अभी भी बहिष्कार जो था वो बहिष्कार? ये लोग आश्वासन दिए हैं अपना करने के लिए कि हम लोग वोट देंगे, का कहना है कि हमको लिखित में आश्वासन चाहिए रोड बनाने का जी, तो हम लोगों ने कहा है कि ठीक है।